नमस्कार व्यूअर्स, एंड आप सबको इसी चैनल पे फिर से स्वागत है। तो व्यूअर्स, बहुत लोगों के रिक्वेस्ट की वजह से आज आप सब लोगों के लिए एक अवेलेबल वीडियो लेके आया हूँ। जो वीडियो है हाफलोंग टू माइबोंग रोड का क्या कंडीशन है, इस वीडियो के द्वारा आप जान सकते हो, ताकि आप इसी रोड से ट्रेवल करते वक्त आपके लिए आसान हो। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ इसी रोड का क्या कंडीशन है, यानी हाफलोंग टू माइबोंग लामडिंग रोड का क्या कंडीशन है। तो व्यूअर्स, उससे पहले आप इसी डिफरेंट ज्ञान चैनल पे न्यू व्यूअर्स हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी चैनल से आपको इस तरह वीडियो मिलते रहेगा। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी की सब लोगों को पता चलेगा इसी रोड का क्या कंडीशन है, ताकि बाकी सब लोग अपना प्राइवेट या छोटा गाड़ी लेके इसी रोड से ट्रेवल करते वक्त आसान हो इन लोगों के लिए। ओके, तो व्यूअर्स, मैं आपको दिखाता हूँ हाफलोंग टू माइबोंग लामडिंग रोड का क्या कंडीशन है, इसका वीडियो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एंड सिलचर टू हाफलोंग लामडिंग रोड का क्या कंडीशन है, ये भी आप देख सकते हो मेरा दूसरे वीडियो पे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, या आप मेरा चैनल पे विजिट कीजिए, आप देख सकते हो सिलचर टू हाफलोंग लामडिंग रोड का क्या कंडीशन है। ओके, तो व्यूअर्स, यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हाफलोंग जाटिंगा पॉइंट से माइबोंग तक रोड का कंडीशन काफ़ी बढ़िया है। एंड हाफलोंग टाउन पे बढ़िया से रोड बनाया गया है डिमासाओ के अंदर। अगर आप हाफलोंग टू माइबोंग या लामडिंग रोड से ट्रेवल किया है तो आपको जरूर पता होगा इसी रोड का क्या कंडीशन है। ओके, लेकिन बीच बीच में कुछ जगह बहुत ख़राब है, एंड कौन कौन सा जगह और कितना ख़राब कंडीशन है ये आप देख सकते हो इसी वीडियो के द्वारा, एंड जान भी सकते हो इसी वीडियो के द्वारा। ओके, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। ओके, और व्यूअर्स, वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को पूरा एंड तक देखना। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, हाफलोंग जाटिंगा पॉइंट से काफ़ी बढ़िया सा रोड बनाया गया है, लेकिन कुछ दूर आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खराब कंडीशन है रोड का। तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं है रोड का कंडीशन, लेकिन बारिश हुआ तो थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है इस जगह पे छोटा गाड़ी के लिए। ओके, और बड़ा गाड़ी के लिए भी तकलीफ हो सकता है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए लैंडस्लाइड होने की चांस यहाँ पे है। तो व्यूअर्स, इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा एंड सबसे ज़्यादा बुरा जो जगह है वही जगह मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो वीडियो आप पूरा एंड तक देखना। और देखिए यहाँ पे इस तरह छोटा छोटा पत्थर और डस्ट भी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है। तो इस तरह कुछ दूर जाने के बाद फिर से थोड़ा अच्छा रोड मिलेगा आप लोगों को, यानी पिच किया हुआ रोड मिलेगा यहाँ पे, और फिर दोबारा इस तरह छोटा छोटा पत्थर मिलेगा आप सब लोगों को। तो चलिए व्यूअर्स, और आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा जगह किस तरह है। ओके, तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए, यानी माहौर की नज़दीक के राइट तरफ एक पेट्रोल पंप है। अगर चाहो तो यहाँ पे आप पेट्रोल या डीजल ले सकते हो अपने गाड़ी के लिए। तो व्यूअर्स, इस एरिया को माहौर बोला जाता है। तो कुछ दूर जाने के बाद आपको एक छोटा मोटा टनल मिलेगा, माहौर का टनल है ये। यानी ये टनल के ऊपर की तरफ ट्रेन लाइन है, एंड नीचे की तरफ रोड है। तो व्यूअर्स, ये NH रोड या नेशनल हाईवे रोड जब से बना हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई भी जगह ख़राब नहीं हुआ है। यह NH रोड, शायद यहाँ पे मिट्टी अच्छा है, इसलिए रोड का कंडीशन काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। लेकिन बाकी जगह आप लोगों ने देखा होगा रोड का कंडीशन किस तरह, NH रोड बीच बीच में ख़राब हो चुका है। तो टनल के अंदर इतना ठीक नहीं है फ्रेंड्स, ड्राई सीजन होने की वजह से टनल के अंदर पानी इतना जमा नहीं हुआ है, लेकिन बारिश के मौसम में टनल के अंदर थोड़ा बहुत पानी जमा हो जाता है शायद यहाँ पे। तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है आप लोगों को, अगर टनल के बीच से अगर आप लोगों ने गाड़ी चलाया बारिश के मौसम में, थोड़ा बहुत तकलीफ हो सकता है। ओके, और टनल छोड़ने के बाद कुछ इस तरह से रोड आप लोगों को दोबारा मिलेगा फ्रेंड्स। तो व्यूअर्स, लेफ्ट तरफ देखिए रोड का कंडीशन क्या है, इतना जल्दी NH रोड यहाँ पे ख़राब हो चुका है, शायद यहाँ पे काम अच्छी तरह से नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे देखिए लेफ्ट तरफ काफ़ी ख़राब हो चुका है रोड का कंडीशन। तो इस तरह रोड का कंडीशन है फ्रेंड्स हाफलोंग तक। लेकिन जितना दिन जा रहा है, यानी दिन भर दिन ये रोड पहले से काफ़ी ख़राब हो रहा है, बट ज़्यादा दिन ये रोड लास्टिंग नहीं किया है मेरा हिसाब से। तो इस NH रोड का उम्र कितना दिन होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स रनिंग हो रहा होगा शायद। तो व्यूअर्स, वीडियो के साथ आप लोग बने रहना, मैं आप लोगों को माइबोंग तक पूरा दिखाऊंगा वीडियो, ताकि आप इसी रोड का बारे में रोड के बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हो एंड देख भी सकते हो इसी वीडियो के द्वारा। ओके, और साथ ही इसी सफ़र में आपको एक लंबा सा टनल देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ओके,
जो बढ़िया सा टनल सब लोग देखने के लिए बेहतर रहते हैं एंड काफ़ी बढ़िया सा टनल है एंड आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने के बाद, तो ज़रूर देखना यह टनल। तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहना। तो फ्रेंड्स वीडियो हो रहा है थोड़ा सा लंबा, क्योंकि हाफलॉन्ग टू माइबंग तक टोटल एक घंटा का सफ़र है, तो एक घंटे के वीडियो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। फिर भी मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ जो जगह सबसे ज़्यादा ख़राब कंडीशन है एंड सबसे जगह जो इम्पोर्टेंट वही जगह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। ओके, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए व्यूअर्स, मैं आप लोगों को नेक्स्ट और एक जगह दिखाता हूँ जो जगह जब से ये NH रोड बनाया गया है तब से ये जगह अभी तक वैसा ही है, वही जगह पे आप लोगों को मैं चल लेके चलता हूँ। ओके, तो व्यूअर्स ये जो अभी 1A रोड देख रहे हो ना आप लोग, जब से ये NH रोड बनाया गया है लामडिंग से हाफलॉन्ग तक, तब से इस जगह पर कोई भी काम नहीं हुआ है। जिस तरह देख रहे हो ना सेम उसी तरह अभी तक है। देखिए इतना छोटा रोड, अगर दूसरे तरफ से और एक गाड़ी आए तो बहुत तकलीफ़ से एक दूसरे गाड़ी को पास देना पड़ता है। एंड रोड का कंडीशन देखिए फ्रेंड्स, अभी तक वैसे ही जैसे पहले था, बारिश का मौसम में और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है ये रोड। ओके, तो लेकिन फ्रेंड्स ये जगह छोड़ने के बाद बढ़िया सा दोबारा आप लोगों को NH रोड मिलेगा एंड यहाँ से रोड बढ़िया सा रोड आप लोगों को देखने को मिलेगा अप टू लामडिंग तक। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ या इस रोड का कंडीशन कैसा है। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ से मुझे बहुत बढ़िया लगता है ये रोड का कंडीशन देखने के बाद। तो आप लोगों को कैसा लगता है ये रोड देखने के बाद नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलना। ओके, तो व्यूअर्स इस जगह को निरिम बंगलो बोला जाता है और यहाँ से आपको रोड का कंडीशन बहुत बढ़िया के साथ साथ एक अच्छा सा सीनरी देखने को मिलेगा आप लोगों को। ओके, और थोड़ा आगे चलकर आप लोगों को सबसे लंबा सा टनल मिलने वाला है। तो व्यूअर्स वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड एक सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इसी चैनल को, ताकि मुझे और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगेगा। ओके, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि बाकी सब लोगों को पता चले इसी रोड का क्या कंडीशन है एंड इसी रोड के बारे में जानकारी इन लोगों को मिले एंड अपना प्राइवेट या छोटा गाड़ी लेके इसी रोड से ट्रेवल करने में इन लोगों के लिए आसान हो। ओके, एंड ये NH यानी नेशनल हाईवे 54 नंबर है। तो यहाँ से लामडिंग 81 किलोमीटर्स एंड नागांव 179 किलोमीटर्स एंड गुवाहाटी टोटल 299 किलोमीटर्स है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं टनल के नज़दीक। तो फ्रेंड्स ये रहा असम के अंदर सबसे लंबा एंड सबसे सुंदर टनल। अगर आपका गाड़ी 80 स्पीड से चलाओगे तो 1 मिनट लगेगा इस पार से दूसरे तरफ जाने में एंड काफ़ी अच्छी तरह से ये सजाया गया है इस टनल को लाइटिंग से। देखिए एंड अंदर लाइट लगा हुआ है, AC लगाया गया है एंड कुछ अनाउंसमेंट के लिए माइक भी यहाँ पर लगा दिया गया है। देखिए, और इस टनल का लेंथ एक्सपेरिमेंटली 1200 मीटर होगा। अगर आप इसी टनल के अंदर से जा रहे हो तो कुछ फ़ोटो उठा लेना फ्रेंड्स और अपने फेसबुक प्रोफाइल में ऐड कर देना। एक्सीलेंट व्यू है फ्रेंड्स, एक्सीलेंट। तो व्यूअर से देख लीजिए कितना समय लग रहा है ये इस टनल को कंप्लीट करने में। तो मैं थोड़ा सा भी वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए एंड यहाँ से अनुमान लगा दीजिए कितना समय लग रहा है इस टनल को इस पार से दूसरे तरफ जाने में। ओके, और ये टनल छोड़ने के बाद आपको काफ़ी बढ़िया सा सीनरी देखते हुए आप ड्राइव कर सकते हो इसी रोड से। ओके, मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, मुझे इस जगह को थोड़ा सा भी स्किप करने के दिल नहीं कर रहा है इस वीडियो पे, फिर भी मुझे थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो कुछ दूर जाने के बाद माइबंग पॉइंट मिलेगा आप लोगों को। अगर आप सीधा जाओगे तो लामडिंग गुवाहाटी जा सकते हो एंड राइट तरफ यानी हमारी गाड़ी जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ अगर जाओगे तो माइबंग टाउन मिलेगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पे स्टेचू को किस तरह सजाया गया है यहाँ पे। तो एटलस फाइनली हम लोग माइबंग की तरफ घुस गए हैं। यहाँ पे देखिए माइबंग रोड की तरफ हम लोग जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को माइबंग टाउन तक ले जाऊँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो के साथ बने रहे, मैं आप लोगों को लास्ट तक दिखाऊँगा जहाँ पे गाड़ी जाके स्टॉप होता है यानी काउंटर तक मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ओके, तो वीडियो के साथ बने रहिए फ्रेंड्स।
एंड वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए एंड चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ओके। तो यहाँ पे राइट तरफ माइबोंग का हॉस्पिटल है एंड ये देखिए आगे राइट तरफ ये माइबोंग का पुलिस स्टेशन है यानी थाना है यहाँ पे ओके। तो व्यूअर्स बस इतना तक, थोड़ा आगे चल के आप लोगों को माइबोंग सॉरी सोमो काउंटर मिलेगा, आप लोग वहाँ जाके आप लोग स्टॉप कर सकते हो, कोई भी गाड़ी पकड़ सकते हो ओके। तो व्यूअर्स बस वीडियो इतना तक है, अगर वीडियो को अच्छा लगे लाइक करना, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स ओके। थैंक यू, जय हिंद।